पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से कोरोना के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ किया कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना है। ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं है। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी यूपी में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया और रोजगार के प्रबंध किए गए वो तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को बधाई दी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीन